हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खांडा गांव कर रहा है दुआ, संक्रमित के परिवार का कोई सदस्य ना मिले पॉजिटिव। 3 दिन पहले दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत खांडा गांव का एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। खुद स्वास्थ्य पेशे से जुड़ा होने के कारण उन्होंने टेस्ट से लेकर अब रिपोर्ट आने तक खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रखा था। वह किसी भी ग्रामीण से नहीं मिलता था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके परिवार के 6 सदस्यों को भी आइसोलेट किया गया है। उनके सैंपल लिए जा चुके हैं, रिपोर्ट आनी बाकी है। पूरा खांडा गांव केवल एक ही दुआ कर रहा है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए और यह आंकड़ा केवल एक पर ही रुका रहे। ग्रामीणों का मानना है कि अगर किसी भी सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वे जिन ग्रामीणों के संपर्क में आए हैं उनके भी टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। उधर दूसरी तरफ मार्केट कमेटी सचिव ज्योति दहिया ने खांडा व आसपास के 3 अन्य गाँव जिनमें चोलका, न्यू खांडा व खांडा गाँव से सब्जियाँ व गेहूँ खरखुदा मंडियों में लाने पर रोक लगा दी है। जिन किसानों को पास उपलब्ध कराए गए थे वे भी रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मंडी में एक बार संक्रमण फैल गया तो भारी क्षति हो सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पर खांडा गांव के किसानों को खरखुदा आने से रोका गया है। प्रशासन ने भी गांव को पहले से ही सील कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर मार्केट कमेटी सचिव ज्योति व मार्केट कमेटी के चेयरमैन अनिल झरोटी द्वारा शुक्रवार को सैदपुर गांव स्थित एक निजी गोदाम की जांच की गई। जांच के दौरान गोदाम में काफ़ी मात्रा में अनाज रखा मिला, जिस पर गोदाम के किराएदार को नोटिस थमाते हुए उसे जवाब तलब किया गया है। नोटिस के 24 घंटे के अंदर गोदाम के किराएदार को जवाब देना है। जवाब के आधार पर आगामी कार्यवाही को मार्केट कमेटी की तरफ से अंजाम दिया जाएगा। शुक्रवार को मार्केट कमेटी को गुप्त सूचना मिली थी कि सैदपुर स्थित एक निजी गोदाम में गेहूं को छिपाकर रखा गया है। जांच करने पहुंची टीम ने सैदपुर के जटोला मार्ग पर एक गोदाम को बंद पाया। पुलिस बुलाकर जब गोदाम को खुलवाया गया तो उसमें काफ़ी मात्रा में गेहूं बरामद हुआ, जिस पर मार्केट कमेटी सचिव ज्योति ने गोदाम के किराएदार को नोटिस संभालते हुए 24 घंटे में गेहूं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सचिव ज्योति का कहना है कि निजी गोदाम के किराएदार को के द्वारा जो भी जवाब दिया जाएगा उसी के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। आइए बात करते हैं मार्केट कमेटी चेयरमैन अनिल झरोठी से, उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, मुझे गुप्त सूचना मिली कि यहाँ गेहूँ का एक गोदाम है, गेहूँ को इकट्ठा किया हुआ है, तो मैंने आज वहाँ पर कार्रवाई की और देखा कि वहाँ गेहूँ भरपूर मात्रा में है। मैंने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाया और उस गोदाम को खुलवाने के लिए मैंने पुलिस प्रशासन भी बुलाया और उसके बाद जो भी वहाँ आया, मेरे संज्ञान में लिए कौन वार्ड किए या कौन है, उन्होंने उसके लीगल कागज कोई पेश नहीं कर पाया। इसका मतलब वह एक अवैध ही था। इसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिरोजपुर बांगर की टीम ने गांव रोहट व गांव थाना खुद से एक एक व्यक्ति को आइसोलेट किया है। वहीं उनके परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया है। दोनों युवकों का सैंपल लिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। CHC फिरोजपुर बांगर के क्षेत्र में आने वाले रोहट गांव का रहने वाला एक युवक बतौर सिक्योरिटी गार्ड आज़ादपुर मंडी दिल्ली में कार्यरत था और बृहस्पतिवार को वह दिल्ली से चला था और उसके सुबह गांव में पहुंचने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उसे आइसोलेशन के लिए ले जाया गया और परिवार के अन्य 2 सदस्यों को होम क्वारंटीन भी कर दिया है। दूसरे मामले में थाना खुर्द गांव का रहने वाला युवक डॉल्टनगंज झारखंड में रह रहा था और वहां पर उसका हेयर सैलून था। आज सुबह ही गांव में पहुंचा था, जिसकी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न केवल उसे आइसोलेशन के लिए ले जाया गया बल्कि परिवार के अन्य 12 सदस्यों को होम क्वारंटीन भी कर दिया है। HMO डॉक्टर हंसराज पासी का कहना है, सूचना मिलते ही दोनों को आइसोलेट किया गया और परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर दोनों को आइसोलेशन में सैंपलिंग के लिए ले जाया गया है ताकि उनकी सैंपलिंग हो सके। आप सभी से अनुरोध है कि इस बारे में किसी तरह की अफवाह न फैलाएं। अफवाह फैलाने वालों पर मामला दर्ज करने का प्रावधान है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।